श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सफलता प्राप्त करने का एक सपना होता है। उनके जीवन में सफलता मिले ऐसी इच्छा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होती है। संस्कृत में एक उक्ति है, श्रेयांसि बहु विघ्नानि, मतलब कि जो श्रेय का मार्ग है उस मार्ग पे बहुत विघ्न होते हैं, कई बाधाएं आती है, उस बाधा को पार करनी पड़ती है। उसी तरह सफलता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा है और वो है फियर, डर, भय। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अभिमान के खातिर बोलने में तो ऐसा हमेशा के लिए उसका अभिगम रहेगा कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन जब समय आता है, प्रसंग ऐसा उपस्थित होता है, उस समय कोई भी व्यक्ति हो उसके मन में डर उत्पन्न होता है और उसकी अभिव्यक्ति भी होती है। एक दफे एक लड़का अपने गांव की ओर जा रहा था और रास्ते में कब्रिस्तान आया। उस रास्ते में पड़ता ही था कब्रिस्तान और बहुत नजदीक से एक रास्ता निकलता था। कब्रिस्तान के चारों ओर एक घनी बाड़ थी, जो फेंस था काफी डेंस था। तो वहां से वो लड़का निकला, एक आवाज अंदर से सुनाई दी, एक तेरा और एक मेरा, और उसको जवाब भी मिला जिसके साथ बात कर रहा था, कहा ठीक है, बराबर है। लड़का को बहुत भय लगा, कभी उसने पूर्व इस रास्ते पे ऐसी आवाज सुनी नहीं थी कब्रिस्तान में से। भागा भागा गांव की ओर। जब गांव की सीमा आई, वहां उसके एक 75 उम्र के व्यक्ति मिले, जो वृद्ध व्यक्ति थे लेकिन सशक्त थे। उसने उस लड़का को देखा, कहा क्यों इतना डर है, इतना भय क्यों तेरे मन में है, तेरी सांस भर गई है। कहा कि कब्रिस्तान में मुझे आवाज सुनाई दी और वहां देवदूत और शैतान प्रेतात्माओं का बंटवारा करते हैं, आपस में बांट रहे हैं, एक तेरा और एक मेरा, कि पागल जी से बात करता है, 75 साल मुझे हुआ है, सैकड़ों नहीं हजारों वक्त मैं उसी रास्ते से गुजरा हूं, कभी मेरी जिंदगी में मैं किसी कब्रिस्तान में से मुझे किसी की आवाज सुना ही नहीं दी है, तू झूठ बोलता है। नहीं, झूठ नहीं, मैं सच बोलता हूं। कहा कोई प्रेत की बात भी गलत है, भूतों की बात भी गलत है, राक्षसों की बात भी गलत है, ये सब गलत बात है, भय रखने की जरूरत क्या है, जैसे दिन है वैसे रात है, सब पदार्थ उसी प्रकार के जैसे दिन में होते वैसे रात को भी होते हैं, और रात को व्यक्ति के मन में एक भय उत्पन्न होता है, अब शाम का समय हुआ है इसलिए तू घबरा गया है। कहा नहीं, सच है, तो मेरे साथ चल, हम पक्का करें आवाज आती है नहीं आती है। तो उसने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, मुझे बहुत भय है। कहा नहीं, तेरे मन में से मुझे भ्रम निकालना है, क्योंकि तेरे मन में अगर भ्रम घुस गया और तेरे मन में एक वहम उत्पन्न हो गया, कभी उस रास्ते से तू निकलेगा नहीं, और तेरे मन में उस विचार के चक्कर में तू डूब जाएगा,
तेरे जीवन में सफलता तुझे प्राप्त नहीं होगी। बहुत आग्रह किया, इसलिए उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, क्योंकि साथ में एक साथी भी था, 75 व्यक्ति की उम्र थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अभी हकीकत में क्या हुआ था, दो लड़के गांव के कब्रिस्तान में घुसे हुए थे और कब्रिस्तान में अखरोट के पेड़ बहुत थे, तो अखरोट तोड़ने के लिए वहां पे गए थे। अखरोट का एक ढेर लगा हुआ था और आपस में उसका बंटवारा हो रहा था, एक तेरा और एक मेरा। और जिस जगह पे बैठे हुए थे तो वहां एक स्लोप जमीन थी, स्लोप वाली जमीन थी, ढाल था, और उस बाड़ में एक छेद था, छेद में से दो अखरोट अलग हो गए थे। लड़के ने देखे हुए थे कि यहां दो अखरोट बाहर निकल गए हैं, बाड़ के बाहर निकल गए हैं। अब गांव के वो वृद्ध और युवान व्यक्ति दोनों बाहर आए, तब आपस में जो बांटना था वो काम समाप्त हो गया था, संपन्न हो गया था। अभी दो बाहर जो अखरोट बचे हुए थे उसका बंटवारा बाकी था। वो बाहर जैसे ही आए तो अंदर वाला जो लड़का था उसने कहा देखो आपस में बंटवारा खत्म हो गया है, आपस में बांटना खत्म हो गया, अब जो बाहर दो है उसमें से एक तेरा और एक मेरा। जैसे ही सुना और 100 मीटर स्प्रिंट, यूसेन बोल्ट से भी आगे निकल गए। इतने भागे इतने भागे तो वृद्ध आदमी वो युवान आदमी से पहला गांव में पहुंच गया, जो कह रहा था मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, जो कुछ बातें कर रहा था वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया। देखो समय आया, अभी ये प्रसंग तो कल्पना का प्रसंग है, लेकिन अब वास्तविक दुनिया का अगर विचार करें तो इस दुनिया में भी ऐसे कितने प्रसंग हुए हैं। 1970 की बात है, 1970 में कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में दो विद्यार्थी अभ्यास कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज में जब सेकेंड एमबीबीएस आती है तो उस समय एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है, विषय है, और उस विषय में मुर्दे को काटना पड़ता है, डिसेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए एक हॉल होता है। हॉल में 10-12-15 मुर्दे वहां लगे हुए होते हैं और विद्यार्थी लोग को काटना पड़ता है, क्योंकि उनको अभ्यास करना है कि शरीर में ऑर्गन्स कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, इंटेस्टिन कहाँ है, लीवर कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, ये सब चीजें पढ़नी उनको आवश्यक है, मसल्स किस प्रकार के है। उनमें से एक लड़का ने एक दफे उसके मित्र से कहा कि देखो कि सबके मन में भय है ही। उन्होंने कहा क्यों, कि तेरी ताकत है रात को 12 बजे के बाद जो मुर्दे लगे हुए हमारे हॉल में सभी का तू स्पर्श कर सकता है। उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम शाम को करते हैं, दोपहर को करते हैं, सुबह में करते, जब काम करते तब करते, तो रात को करने में क्या हर्ज है, तो अवश्य करूंगा, उसमें क्या चीज है। तो कहा कि मैं अगर करूंगा तू तू मुझे क्या देगा। देखो 1970 की बात है, मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में यह खबरें छपी हुई थी, 1970 की मैं बात कर रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई का एडिशन। और उसने कहा कि मैं तुझे 500 रुपया दूंगा। वो जमाना था, उस जमाने में लेक्चरर को 250 रुपया मिलती थी तनख्वाह। अभी एक दिन में इस व्यक्ति को अगर 500 रुपया मिल जाए तो उसने कहा ठीक है मैं करूंगा, लेकिन का शर्त है कि 12 बजे के बाद अंधेरे में आपको छूना है, एक एक बात सब मुर्दे को छूना है, कि मैं छूंगा उसमें क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बड़े बहादुरी से वो व्यक्ति रात को 12 बजे के बाद एक के बाद एक मुर्दे को स्पर्श करने के लिए गया। जैसे ही पांचवा टेबल पूरा हुआ और छठे मेज के पास वो आया, मुर्दा उठा और डरावने आवाज निकाली अपने मुंह में से। जो व्यक्ति छूने के लिए आया था उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, वासोवेगल शॉक लग गया, वहीं गिर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया। शर्त में एक व्यक्ति मरा। हकीकत में क्या हुआ था, उसका ही मित्र सब वस्त्र निकाल करके वहां सो गया था और वो उठा। मुर्दा कैसा उठेगा, मुर्दे में तो प्राण नहीं है, वो उठा
और आवाज निकाली मुंह में से डरावनी आवाज, बहुत घबरा गया, कार्डियक अरेस्ट हो गई, वो व्यक्ति मर गई। अभी हमारा विचार करें हमारे जीवन में भय है या नहीं है। देखो विद्यार्थी का विचार करो, परीक्षा का भय है, परीक्षा में कौन सा क्वेश्चंस आएगा, उस समय मुझे याद आएगा कि मैं उस समय भूल जाऊंगा, अच्छे मार्क मुझे नहीं मिलेंगे, मैंने बहुत तैयारी की है लेकिन मेरे माता पिता को विश्वास नहीं है कि मैंने काफी तैयारी की है, और एग्जामिनर अच्छी तरह से उसको मतलब कि एग्जामिन नहीं करेंगे और मुझे मार्क कम आएंगे तो मेरे माता पिता को मैं जवाब क्या दूंगा। माता पिता को भय है जब अपनी संतान घर से बाहर निकलती जब तक वापस लौटती नहीं है तो उनके मन में भी भय लगता है। कभी तुम्हारे घर 4 बजे सुबह फोन की घंटी बजे तो पहला विचार ऐसा आएगा कोई अशुभ समाचार तो नहीं होगा, क्या होगा। शादी के पहले विचार आता है कि कब तक शादी चलेगी, जीवन पूरा होगा या नहीं होगा, किस प्रकार की प्रकृति स्पाउस की होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी। जब विद्यार्थी अभ्यास पूरा कर लेता है, नौकरी ढूंढता है, इंटरव्यू के लिए जाता है तो घबरा जाता है, उसके मन में भय है, सभी प्रकार के प्रश्न कि जवाब मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्या होगा। वृद्धावस्था की भय है, उस समय मेरा सहारा कौन। मृत्यु की भय है, क्या होगा मेरा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, मित्रों को छोड़ना पड़ेगा, मेरी जो विरासत है उसको छोड़नी पड़ेगी, मेरे पास जो धन संपत्ति है उसको भी त्याग करना पड़ेगा। अनेक प्रकार के भय से हम घिरे हुए हैं, इस भय का मुकाबला करना किस तरह, तो सबसे पहली बात है इसका मुकाबला करने के लिए व्यक्ति शरीर का बल का विकास करती है, उससे अमुक प्रमाण में हमारा भय कम होता है। कोई नियमित रूप से कसरत करे, योगासन प्राणायाम करे, मार्शल आर्ट सीखे, जूडो है, कराटे है, कुंगफू है, एक प्रकार का आत्मविश्वास उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। चाहे रात को वो अकेला निकले और सामने 3-4 आदमी मिल जाए जो गुंडा हो लेकिन उसको भय नहीं लगेगा, लेकिन जब मार्शल आर्ट्स कोई व्यक्ति सीखती है तब उनके गुरु बहुत आग्रह करके उनसे बताते हैं ये आक्रमण के लिए, ये युद्ध करने के लिए, किसी को डराने के लिए मैं तुझे विद्या सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ स्व बचाव में मार्शल आर्ट्स का उपयोग करना है। लंदन में 1982 का एक प्रसंग हुआ, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हम लोग वहां पे गए हुए थे, एक व्यक्ति मिलने के लिए आया, उनका नाम था दिलेश। वहां एक सबर भाई लंदन का जिसका नाम है ब्रिक्सटन, बहुत सारे दंगे बहुत दफे हुए वहां पे, एक दफे कुछ काम था और वहां कुछ काम करने के लिए वे दिलेश गए हुए थे, लेकिन जो गली में उसकी गाड़ी पार्क की थी उस गली में आने जाने का रास्ता एक ही था, इट वॉज अ डेड एंड। वहां गाड़ी पार्क की हुई थी और जब काम निपटा कर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए वो जब आया तब उसने देखा कि कोई 30-40 फीट की दूरी पे 3 लड़के खड़े हुए थे, एक के हाथ में छुरा था, एक के हाथ में चेन थी और तीसरे के हाथ में एक क्लब था, छोटी सी लाठी थी। दिलेश को पता चल गया मुझे लूटने के लिए ये लोग आए हुए हैं, लेकिन कराटे में दिलेश वॉज अ ब्लैक बेल्ट, कराटे में जो उच्चतम एक डिग्री है और ब्लैक बेल्ट के बाद भी डैन 1, डैन 2, डैन 10 तक डिग्रीज है, तो कराटे में ब्लैक बेल्ट थे, संपूर्ण स्वस्थ थे। जब वे नजदीक आए आक्रमण करने के लिए तब दिलेश ने वार्निंग दी, उन्होंने कहा देखो मैंने कराटे सीखी हुई है और मैं आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे, मुझे ब्लैक बेल्ट प्राप्त हुआ, मेरे नजदीक में मत आना, चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए मत आना, क्योंकि
शायद तुम्हारे शरीर को जोखम है, जख्म हो जाएगा, इसलिए मेरे नजदीक में मत आना। उन लोगों को लगा तीन लोग है वे, ये अकेला आदमी है, उनके पास हथियार है, साधन है, छुरा है, लोहे की चेन है, एक लाठी है, सब कुछ उनके पास है, वो क्या कर पाएगा। देखो दूसरी एक बात भी है, जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनको ये भी सिखाते हैं कि इफ यू गेट अ चांस रन अवे, अगर तुम्हारे पास मौका हो तो भाग जाना वहां से, डर के मारे भागते नहीं, दूसरों को जख्म न हो इसलिए भागना, इसलिए तुम्हें भागना है, क्योंकि ऐसे सिखाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन उतनी पावरफुल है, अगर कोई व्यक्ति उसको मारने के लिए आ जाए तो उनका रिस्पॉन्सिस वो ऑटो पायलट पे चलता है, इतने फास्ट। जैसे अलग अलग गेम्स है, टेनिस की गेम है, मान लीजिए क्रिकेट की गेम है, टेबल टेनिस की है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिफ्लेक्स स्पोर्ट, विचार करने का समय ही नहीं है। 100 मील की गति से अगर कोई बॉल आता है तो विचार उस समय विचार नहीं है, कितनी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के आधार पे ही उसका बैट चलेगा। तो उसी तरह कराटे में है, इतनी प्रैक्टिस उन लोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सामान्य तौर से उसको उसके पास आएगा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मारने के लिए आएगा तो उसके रिस्पॉन्सेस भी ऐसे ही बहुत ही कड़े होते हैं। तो उसके पास दिलेश के पास आया मारने के लिए, 2-3 मिनट में खेल खत्म हो गया, एक का हाथ तोड़ डाला, दूसरे व्यक्ति की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जांग की, जिसको फीमर कहते हैं, फीमर को तोड़ डाला, और तीसरी व्यक्ति थी उसकी आधी आंख निकल गई बाहर। फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस को सौंपा कि देखो ये चोरी करने के लिए आए थे, लूटपाट करने के लिए आए थे, तो अगर हमारा शरीर बल का विकास हो तो अमुक मात्रा में हमारे मन में जो भय चल रहे हैं वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो शरीर का बल है, शरीर का बल है उससे अधिक है बुद्धि का बल, मन का बल, बहुत फर्क है। बुद्धि का बल है, मन का बल है, बहुत ही है। हम यहां तो बैठे हुए हैं, साथ में मिलाकर अगर मिलकर हम चिल्लाए जय बोले श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, हमारा आवाज कहां तक पहुंचेगा, आधा मील तक भी नहीं पहुंचेगा हमारा आवाज। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में सैटेलाइट फोन हो और हिमालय की चोटी पे माउंट एवरेस्ट पे आपने आरोहण किया है और किसी को फोन करना है तो पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर उसके पास रिसेप्शन के लिए सुविधा हो तो उस व्यक्ति को आप फोन कर पाओगे। उसका कारण क्या है, बुद्धि। हम कितना कुछ सकेंगे, ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, अबाउट 8 फीट 8 फुट है, उससे ज्यादा आदमी कूद नहीं सकता है। गुरुत्वाकर्षण का बल है, लेकिन बुद्धि के बल से मनुष्य ने रॉकेट का आविष्कार किया, रॉकेट में बैठकर यहां तक चंद्र तक पहुंच गया, इतना कूदा, 2,40,000 मील की दूरी पे चंद्र है, वहां पहुंच गया। अगर हमें तैरना है तो बाहुबल कितना है, जो भारत और श्रीलंका देश के बीच में जो समुद्र है 18 मील की 19 मील की है, तो मिहिर से हमारे देश में एक बड़ा वो जो स्विमर था वो तैर गया, उसके जाकर के इंग्लिश चैनल है 26 मील चौड़ी है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वो भी तैर गया, और उसे भी बड़ी है चौड़ी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो वहां यूरोप में ही है, तो 35 मील की है, वो भी आदमी तैर गया। अमेरिका अलास्का है, अलास्का का जो पश्चिमी कोना है, और रशिया में व्लाडिवोस्टोक है, वो उनका पूर्वीय जगह है, अंतिम जगह, दोनों के बीच समुद्र है 56 मील का है, तो आदमी शायद वो भी तैर जाएगा, मान लीजिए 100 मील तक। लेकिन समुद्र मुंबासा से, मुंबई से मुंबासा 3,000 मील है, और इंग्लैंड से लेकर न्यूयॉर्क देखो अटलांटिक महासागर है 4,000 मील से अधिक है, प्रशांत महासागर का विचार करो करीबन तब तो करीबन 5,000 मील है, कौन तरेगा, ताकत नहीं है। लेकिन बुद्धि बल से आविष्कार हुआ स्टीमर का, तो स्टीमर में बैठ के वो आराम से खुशी से वहां पहुंच जाएगा।
विमान में बैठ करके समुद्र पार कर सकता है, सब जमीन भी पार कर सकता है, पहुंच जाता है एक दिन में 14 घंटा में। अगर दिल्ली से अमेरिका आपको जाना है 10,000 मील की दूरी पर जा सकते हैं, आसरा है विमान का, शरण है विमान की, और आविष्कार हुआ है बुद्धि के बल से। चाहे कितना भी बलवान व्यक्ति हो, कितना भी बलवान व्यक्ति हो, लेकिन उसके पास अगर कोई टेररिस्ट AK-47 लेकर के उसके सामने खड़े हो जाए तो क्या करेगा वो? AK-47 से हाथी भी मर जाते हैं। अफ्रीका में कितने हाथी, हाथी दांत के लिए लोगों ने, जो पोचर्स लोग होते हैं, तो पैसे के लिए कितने हाथी, हजारों की संख्या में हाथियों को मार दिया है। AK-47 वो बुद्धि का आविष्कार है, तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकेगा उसके लिए। ये भी देखो, ये भय से मुक्त होने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए अपने घर में कैमरा लगाते हैं, अपने घर में कुत्ते रखते हैं, तो जो कुत्ता है, कैमरा है, तो उसे पता चलता है कि हमारे घर में कोई चोर आया है नहीं आया है, तो उसको सिक्योरिटी फील होती है, सलामती का, सुरक्षा का अनुभव होता है, सलामती का कुछ अनुभव होता है। एटम बॉम्ब का आविष्कार हुआ, उसका मूल क्या भय है? कौन किसका भय था? हिटलर का। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस व्यक्ति की सोच इतनी गलत थी, उसके मन में एक ही विचार था कि पूरे विश्व में मुझे ही शासन करने का अधिकार है, मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ है। अपनी जाति को आर्यन रेस गिनाते थे, और अमुक लोग को इस पृथ्वी पे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिनमें सबसे पहला नंबर आता था यहूदियों का, 60 लाख यहूदियों को मार डाला हिटलर ने, विपरीत मति थी। हिटलर के बारे में लोग कहते थे कि हिटलर ही इज नॉट अ मैड मैन, वो पागल आदमी नहीं है, बट ही इज एन ईवल जीनियस, वो बुद्धिमान बुद्धिशाली शैतान है, तो किसी भी तरह से उसको रोकना है। अब अमेरिका में वैज्ञानिकों को पता चला कि हिटलर एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। आइंस्टाइन के पास बात आई, आइंस्टाइन ने 2 पत्र लिखे, उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के रूजवेल्ट, उनको 2 पत्र लिखे, उनको समझाया, देखो हमको ये बनाना आवश्यक है, अगर हम नहीं बनाएंगे तो हिटलर बना देगा और पूरे विश्व में उसका शासन होगा। इसलिए रूजवेल्ट ने वहां परमिशन दी और एटॉमिक बॉम्ब बना, पहला एटॉमिक बॉम्ब बना अमेरिका में, परीक्षण भी वहीं हुआ, और हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में अमेरिका ने बॉम्ब फोड़ा। उसका मूल था भय। तो हमारे पास शस्त्र है ना, तो शस्त्र बुद्धि का आविष्कार है। कुछ मात्रा में हमारा डर कम हो इसलिए हमारा देश भी शस्त्र बनाते हैं, लेकिन बुद्धि बल से अधिक एक बल है, वो है चरित्र का बल। हमारे देश स्वतंत्र हुआ, और देश जो स्वतंत्र हुआ उसके मूल में कई लोग थे, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी थे, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, ये सब लोग, तो उनके जीवन में उनका चरित्र बहुत अच्छा था, चरित्र इतना ईमानदार व्यक्ति वे सब थे अपने जीवन में। तो बुद्धिशाली लोग थे, अंग्रेज लोग बुद्धिशाली थे। अंग्रेज का अगर विचार करें तो ऐसा कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, पूरे अंग्रेज साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त देखा ही नहीं। उसका मतलब जगह जगह अंग्रेज का शासन था, हमारे देश पर अंग्रेज राज कर रहे थे, अफ्रीका में किन्या, टांगानिका, जांसीबार, युगांडा, सभी देशों पे अंग्रेज का राज्य था, मिडल ईस्ट में भी यमन है, इराक है, अंग्रेजों का राज्य था, बर्मा में, सिंगापुर में, जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंग्रेजों का राज्य था, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, उसमें भी उसका राज्य था, इंग्लैंड एक छोटा सा देश है, एक द्वीप है, वहां बैठे हुए पूरे विश्व पर शासन करने वाले व्यक्ति कितने बुद्धिशाली होंगे।
उनकी प्लानिंग कितनी अच्छी होगी, विचार करो। गुजरात में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पे एक पुल है, छोटा सा सेतु, और कई साल पहले अंग्रेजों ने वो सेतु बनाया था, अपने रिकॉर्ड्स में लिखा था इसकी आयुष्य 100 साल की है। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 1947 में अंग्रेज लोग तो चले गए। अभी कुछ 10 साल पहले हमारी गुजरात की सरकार पर इंग्लैंड की सरकार का एक पत्र आया कि तुम्हारे यहाँ जो नर्मदा नदी है उस पर हम लोगों ने जो सेतु बनाया था उसकी आयुष्य 100 साल की थी, खत्म हुई है, अब आप संभालो। देखो, विचार करो कितना प्लानिंग, कितनी बुद्धि उनके पास थी, लेकिन चरित्र का बल नहीं था। यहां चरित्र का बल था, और चरित्र के बल के हिसाब से ही अंग्रेज को यहां से जाना पड़ा। एक याद रखना, पूरे विश्व में बहुत देश स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन यहां अहिंसक क्रांति का जो प्रयोग हुआ ये विश्व में किसी भी जगह नहीं हुआ था उसके पहले, और उसके बाद अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने ये प्रयोग किया, नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन। और बहुत आश्चर्य लगा, रशिया में क्रुश्चेव आए थे 1956 में हमारे देश में, और क्रुश्चेव ने कहा कि हाउ कुड यू लिक्विडेट द प्रिंसेस विदाउट लिक्विडेटिंग द प्रोविंसेस। यहां जो राज्य है उनको राज करने वाले जो राजा लोग थे उनको मारे बिना किस तरह से भारत का संगठन हुआ हमको पता नहीं चलता, ऐसी बात उन्होंने बताई। लेकिन चरित्र का बल, लेकिन चरित्र के बल में एक खामी है, त्रुटि है। वो क्या है? चरित्र वाले व्यक्ति भी जीवन में हताश होते हैं, निराश होते हैं। गांधी जी, उनका जो 1947, 46, 47, 48 में उनकी लिखाई पढ़ो, गांधी जी दुखी थे। गांधी जी ने कहा कि मेरा मुर्दा बोल रहा है। सरदार पटेल का भी वचन सुनो, उनके जीवन में चरित्र था। तो इससे भी एक आगे बल है, वो बल है आत्मा की शक्ति है। और आत्मा की शक्ति की तुलना अगर हम मन की शक्ति के साथ तुलना करें तो कितना डिफरेंस है। तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेश में बताया है, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि मन है ना, वो आत्मा की कोई किरण है। देखो, हकीकत में जो मन है वो मटेरियल है, आत्मा स्पिरिचुअल है, उसकी किरण नहीं हो सकती। लेकिन भगवान स्वामीनारायण तुलना की बात करते हैं, अगर आत्मा की शक्ति सूर्य के समान है तो मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति किरण के समान है। अगर आत्मा समुद्र के समान है तो मन और बुद्धि एक बूंद के समान है। अगर आत्मा एक विश्व के समान है तो मन और बुद्धि वो अणु के समान है। तो आत्मा की शक्ति जिसके पास है, देखो, उनको जीवन में डर नहीं है। जब सिकंदर हमारे देश पर आया आक्रमण करने के लिए, बहुत देश जीत लिए थे उन्होंने, यहां पे आए तो उनको एक पता चला, एक सैनिक ने बात बताई कि यहां एक नंगा फकीर, एक नंगे बाबा जमीन पे सोए हुए है और बड़े मस्ती में है। उसके पास कोई वस्त्र नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन सुख है। तो सिकंदर ने कहा कि उनसे कहो, शहंशाह आलम सिकंदर उसे कह रहा है कि मेरे पास तुम आओ, अगर तुम आओगे तो बड़ा इनाम मैं तुम्हें दूंगा, अगर नहीं आओगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुझे मार दूंगा। ऐसा हुक्म लेके वो सिपाही उनके पास आया कि हमारे राजा आपको बुला रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम था दंड महर्षि, और पश्चिम के किताब में उसका नाम लिखा गया है दंडामिस। वो व्यक्ति ने कहा, कौन है सिकंदर? लुटेरा, ऐसे लुटेरा, मुझे कोई डर नहीं है, वो शहंशाह आलम नहीं है, मैं तो वो शहंशाह आलम को मानता हूं जिस व्यक्ति ने प्रकाश बनाया है, जिस व्यक्ति ने पृथ्वी बनाई है, जिसने जीवन दिया है, जिसने बुद्धि दी है, जिसने वनस्पति बनाई है, ऐसे व्यक्ति को मैं मानता हूं, वो मेरे शासक है और मैं उनसे अधीन हूं। कौन है सिकंदर, और सिकंदर के पास क्या है मुझे देगा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके पास से।
उसके पास जो चीज है मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पास जो सिकंदर के पास नहीं है, क्या करेगा वो? मुझे मारेगा? मेरी आत्मा नहीं मरेगी, और मेरा असली स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। जाओ उनसे कहो कि दर्द महर्षि कह रहा है। सिकंदर ने देखा इतनी गर्वाई से कोई बात कर रहा है, इतनी मस्ती से कोई बात कर रहा है, क्या है, कौन है ये व्यक्ति? सिकंदर उनके पास गया और देखा दंड महर्षि का जो कैफ था, तो दंड महर्षि ने सब बात उनसे बताई। तब सिकंदर वहां से वापस लौटा। सिकंदर ने कहा मैंने तो बहुत देश जीते, लेकिन एक नंगे फकीर ने मुझे जीत लिया। क्या था उनके पास? आत्मज्ञान था, आत्मज्ञान था। देखो भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेश में यह बात बताई है, विचार कर, हम सत्संग करते हैं तो सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। सत्संग से सोच मिलती है, हमें समझ देते हैं सत्संग, तो उस पर सबसे बड़ी सोच यह है, हमारा असली स्वरूप है क्या? कौन है हम? हमारा असली स्वरूप आत्मा है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है अपने वचनामृत में, मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा, मुक्तानंद स्वामी बहुत बड़े संत थे, भगवान स्वामीनारायण के परमहंस थे, तो मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा, महाराज काम क्रोध लोभ और भय के प्रसंग में धैर्य न डिगे, ऐसा कोई उपाय है? देखो कामना में धैर्य डिग जाता है, बुद्धिशाली आदमी भी भूल कर बैठता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति गैरी हार्ट, वो गैरी हार्ट एक एक्ट्रेस के पीछे लगे हुए थे, और प्रेस रिपोर्टर्स को पता चला, देखो निजी जीवन में अमेरिका में कोई पूछता ही नहीं आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, शासन करना है, आपके जीवन में चरित्र होना चाहिए। उसने कहा मुझे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उनके पीछे लगे, अगर आपको लगता है मेरे पीछे आओ, जांच करो मेरा जीवन शुद्ध है या नहीं है। प्रेस रिपोर्टर्स ने वही किया और तस्वीरें खींची, तो उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति थे, तो उसके आधार पर रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल छपा हुआ है, व्हाई डू स्मार्ट पीपल डू डम थिंग्स, व्हाई डू स्मार्ट पीपल, जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो मूर्खता से युक्त ऐसा काम क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है। तो देखो जब कामना आती है धैर्य डिग जाता है, क्रोध में धैर्य डिग जाता है, भय में धैर्य डिग जाता है, लोभ में धैर्य डिग जाता है, क्या ऐसा कोई उपाय है कि धैर्य डिगे नहीं? तो भगवान स्वामीनारायण ने बताया, ये उपाय बताया, ऐसा समझो कि मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, मैं मेरे मन से अलग हूं, बुद्धि से अलग हूं, चित्त से अलग हूं, अहंकार से अलग हूं, मैं अजर अमर तत्व हूं, मैं सच्चिद आनंद रूप हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं खुद ही सुख रूप हूं, मैं खुद ही आनंद रूप हूं। ऐसा अगर ज्ञान जब आपको प्राप्त हो, तब आपके जीवन में इसका भय नहीं लगेगा। साथ साथ में भगवान स्वामीनारायण वो भी बताते हैं, संसार के सुख दुख, संसार में सर्दी गर्मी, संसार में अपमान और सम्मान, संसार में जीवन और मरण, उसे जो भय उत्पन्न होता है, तो आत्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में से वो भय निकल जाता है। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, मिलिट्री में भी ये बात सिखाते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक माहौल में ये बात मिलती, ऐसा नहीं है। 1991 में सदाम हुसैन था ना, सदाम हुसैन के साथ युद्ध हुआ था, आप जानते होंगे इतिहास में, और जो बड़े आदमी उनको तो पता है, गल्फ वॉर, 26 देश का एक संगठन हुआ था, और लीड करते थे नेता अमेरिका थे, इंग्लैंड भी जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बहुत देश, 26 देश जुड़े हुए थे। उनमें से रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड का लड़ाकू विमान बॉम्ब डालने के लिए इराक पे जा रहा था, दो पायलट उसको ड्राइव कर रहे थे, का नाम था जॉन पीटर्स, दूसरा का नाम था निकल्स पीटर्स।
तो टॉर्नेडो विमान का नाम था, रशिया की दी हुई मिसाइल से, प्रक्षेप अस्त्र से टॉर्नेडो को सदाम हुसैन के सैनिकों ने उसका नाश किया। पैराशूट में से दो नीचे आए, उनको जेल हुई, बहुत ही टॉर्चर किया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट दिया, शरीर के गुप्त अंग पर कान पे रखे हुए थे, बहुत ही पिटाई हुई, बहुत ही अपमानित किए गए, उनके ऊपर थूकते थे, पेशाब करते थे, मल मूत्र डालते थे, सभी प्रकार का किया। और फिर जब शांति हुई तब तक वे जिंदे थे। जब इंग्लैंड आए तब प्रेस रिपोर्टर से ये प्रश्न पूछा, जब आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा था तब कौन से विचार से आप टिक सके? तब उन्होंने कहा, हम लोग ने ये विचार किया, वे लोग मारते हमारे शरीर को मारते हैं लेकिन हम शरीर से अलग है। देखो ये विचार काम लगता है। तो ये आत्मा का विचार है, जैसे हम स्कूल में कॉलेज में अभ्यास करते हैं ना, अमुक चीजें प्रैक्टिस करे बिना हमारे जीवन में आत्मसात नहीं होती है। बॉलिंग करनी है क्रिकेट में, एक ही प्रकार के बॉल हजार हजार दफ डालते हैं, स्ट्रोक ठीक करना है तो भी करते हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, कोई बाईपास ऐसा नहीं है, तो जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, कंपलसरी है, समझना ये अभ्यास है। लेकिन इस अभ्यास में आनंद है, ज्यादा नहीं थोड़ा विचार हर रोज हम करें, हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, कितनी ताकत है, क्यों इस शरीर रूप कैद में हम लोग फंसे हुए हैं, हमारा स्वरूप इससे भी विशाल है, इससे भी बड़ा है, हम बाहर निकल सकते हैं। और आत्मा के आगे भी एक शक्ति है, और वो शक्ति है भगवान की शक्ति, भगवत बल है। अर्जुन के पास आत्मज्ञान था, अर्जुन को मृत्यु का भय नहीं था, अकेला अर्जुन ने पूरी सारी कौरव सेना का मुकाबला किया था। आप में से जितने जिसने महाभारत की पढ़ाई की है उनको शायद पता होगा कि जब 1 साल तक पांडवों का गुप्तवास था तब अर्जुन अकेले ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, ये सब महारथी थे, उनका बड़ा सैन्य था, उनके सामने मुकाबला किया अकेले अर्जुन ने। अर्जुन को कोई डर नहीं था, मृत्यु की भय नहीं थी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध आ गया, हताश हो गए, निराश हो गए। आप गीता देखो, गीता में 2 अध्याय में अर्जुन बहुत निष्कपट है, और निष्कपट रूप से अर्जुन ने एक बात बताई। अर्जुन ने कहा, उसके मन में देखो मृत्यु की कोई भय नहीं थी, उसके मन में भय कौन सा था, लोकांतर गति का भय था। उसके मन में ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत, मेरे हाथों से हजारों क्षत्रियों का नाश करूंगा तो उनकी जो पत्नियां हैं विधवा हो जाएंगी, इस पृथ्वी पे स्त्रियों की संख्या बढ़ेगी, पुरुषों की संख्या कम होगी, शादी होगी वर्ण शंकर, प्रजा उत्पन्न होगी वर्ण शंकर, संतान उत्पन्न होगी, और मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उनके शब्द देखो, वो कोई अभिमानी व्यक्ति नहीं थे। अर्जुन ने कहा कि न शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं, भ्रमतीव च मे मन, मेरा मन चारों ओर भ्रमण कर रहा है, त्वचैव दहेति, मेरी चमड़ी वो जल रही है, मुख चैव परिशुष्यति, मेरा जो मुख सूख रहा है, वेपतुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, मेरा शरीर में कंप हो रहा है और मेरी रोमावली खड़ी हो गई है। कृष्ण भगवान ने बहुत धैर्य रख करके उनको बहुत समझाया, आत्मज्ञान दिया, कर्म की बात बताई, राजयोग की बात बताई, ज्ञान बताया। आखिर में कृष्ण भगवान ने एक कहा, अर्जुन तू सब भूल जा, तू मेरे शरण आ जा, सभी प्रकार के पापों से मैं तुझे मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। तू मेरे शरण में आएगा तो सब पाप से मुक्त हो जाएगा। देखो उसके पास आत्मज्ञान था, लेकिन उससे अधिक परमात्मा का बल है,
और भगवान स्वामीनारायण समझाते हैं कि आत्मज्ञान कब होता है, जब परमात्मा की उपासना होती है तभी आत्मनिष्ठा की दृढ़ता होती है। बिना परमात्मा की उपासना, बिना परमात्मा का ध्यान आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। और कैसे हम परमात्मा का बल प्राप्त करें, तो हमारे शास्त्र कहते हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार हो, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की जरूरत है, अच्छा धंधा करना है तो अच्छे व्यक्ति को जिन्हें धंधा का अनुभव हो आपको मिल जाए तो अच्छा धंधा होगा। परमात्मा का बल प्राप्त करने, जिसके पास परमात्मा है, परमात्मा का साक्षात्कार है, उसको संत बोलते हैं। और उनके योग में कोई व्यक्ति आ जाए तो परमात्मा के प्रति कितनी आस्था बढ़ेगी। जो दिल्ली का अक्षरधाम हुआ, प्रमुख स्वामी महाराज ने उसका निर्माण किया है, हर साल तकरीबन 45 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कई नास्तिकों को भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गुजराल साहब थे, उनके छोटे भाई, उनका नाम है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल आर्टिस्ट है और आर्किटेक्ट भी है, दिल्ली में गाजियाबाद में रहते हैं। जब अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ, उसी रास्ते पे से उनको निकलना पड़ता। उसने देखा कोई बड़ा स्थान हुआ है, न्यूज़पेपर में आ गया, टेलीविजन में सब आ गया, तो मन में इच्छा हुई, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे, मुझे देखना है किस तरह का स्थान बनाया है। वहां पे वो आए, जब वहां पे आए बहुत ही खुशी हुई उनको। अब उनके शब्द देखो, उन्होंने लिखा, अदरवाइज आई एम अ नॉन बिलीवर, वैसे तो मैं भगवान में नहीं मानता, बट देर आर टाइम्स एंड प्लेसेस When one feels the hands of providence working, उसका मतलब ये है कि ऐसे समय आता है, ऐसे स्थान है जहां लगता है कि भगवान की शक्ति बिना यह संभव नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, Here in Akshardham, every pillar and every canopy is a masterpiece. यहां हर एक खंभे और हर एक छत बेनमून है। उन्होंने आगे लिखा, I am not only an artist, I am also an architect. मैं सिर्फ कलाकार नहीं हूं, मैं एक स्थपति भी हूं। और फिर लिखता है कि in my opinion, such work, this work should have taken 50 years to complete. इसको पूरा करने में 50 साल लगना चाहिए था, लेकिन 5 साल में यह पूरा हो गया है। भगवान की शक्ति बिना ही संभव नहीं है। देखो अभी कलाम साहब, देखो कलाम साहब की किताब है ना ट्रांसेंडेंस, कलाम साहब लिखते, देखो याद रखो, बड़े बहुत ही पाक इनाम ईमानदार व्यक्ति है, हम इस सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब एक किताब तो अरुण तिवारी जी उनके पर लिखते थे, तो उनको लिखना था कि कलाम साहब ने देश की सेवा करने के लिए शादी नहीं की। कलाम साहब के पास वो चीज आई, कलाम साहब ने कहा दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, देश की सेवा करने के लिए मैंने शादी नहीं की, ऐसा ये बात सच नहीं है। सच बात तो वो है, मुझे मेरे पास इतने काम थे कि मुझे कोई समय नहीं मिला शादी का। सच बात वो है। दूसरी बात, लालकृष्ण अडवाणी जी प्रमुख स्वामी महाराज को गांधीनगर अक्षरधाम में उन्होंने बात बताई। गांधीनगर अक्षरधाम में 2000 साल की चार की साल में कलाम साहब आए थे, और वहां सुवर्ण जयंती का महोत्सव था। योगी जी महाराज ने बाल मंडल की स्थापना की थी, 50 साल पूरे हुए थे, तो अक्षरधाम के ही प्रांगण में उत्सव हुआ था। तो उस उत्सव में राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, वहां पे आए थे। दूसरे दिन लालकृष्ण अडवाणी स्वामी जी से मिलने के लिए आए। अब वहां क्या हुआ, उस माहौल में कलाम साहब बैठे थे, बीच में भगवान की मूर्ति थी धातु की छोटी सी, हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति, जो प्रमुख स्वामी महाराज लालजी की मूर्ति अपने साथ रखते वो, और उसके पास में बैठे थे प्रमुख स्वामी महाराज बैठे थे। शाम का समय हुआ, आरती का समय हुआ, स्वामी जी ने कलाम से कहा आरती करनी है,
कि बच्चे लोग सब 20,000 इकट्ठे हुए हैं, तो वहां पीछे हमारे पीछे भगवान की मूर्ति, उनकी आरती करते हैं, तो सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, उनकी आरती हम उतारे। तो कलाम ने कहा ठीक है, तो कलाम साहब ने आरती उतारी। वो सब बात लाल कृष्ण आडवाणी के पास गई तो उनको ये लगा, ये तो मुसलमान है, मुसलमान लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, रिचुअल्स में नहीं मानते, कर्मकांड में नहीं मानते, फिर भी उन्होंने एक किया तो शायद जो प्रेस रिपोर्टर्स इसका गलत अर्थ निकालेंगे और कुछ देंगे पेपर में नेगेटिव, तो कुछ हुआ नहीं। तो उसके संदर्भ में दूसरे दिन लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रमुख स्वामी महाराज से बात कर रहे थे और स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी एक कलाम बहुत ही ईमानदार आदमी है और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए एक प्रसंग कहा। कौन सा प्रसंग कहा? उन्होंने ये कहा कि एक दफे जब कलाम से प्रेस रिपोर्टर ने पूछा आप शाकाहारी क्यों हैं, आप मांस नहीं खाते, आप तो मुसलमान है और मांस नहीं खाते, उसका कारण क्या? देखो कलाम जवाब दे सकते थे कि मैंने किताब पढ़ी है तो शाकाहारी खुराक मनुष्य के शरीर के लिए मांसाहार की तुलना में अच्छा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मॉरल पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से शाकाहार अच्छा है, वो जवाब कलाम दे सकते थे। लेकिन कलाम ने क्या कहा कि मेरे पास मांस खरीदने के पैसे नहीं थे, हम लोग गरीब थे। और फिर पढ़ाई की, फिर पता चला कि वेजिटेरियन फूड अच्छा है, साइंटिफिकली अच्छा है। देखो ईमानदार व्यक्ति, और वो क्या लिखते हैं, अद्भुत लिखी है बात उन्होंने, अद्भुत, कि प्रमुख स्वामी जी इज द अल्टीमेट स्टेज इन द इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ द स्पिरिचुअल एसेंट इन माय लाइफ विच स्टार्टेड विथ माई फादर वॉज सस्टेन्ड बाई डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश एंड प्रोफेसर सतीश धवन, नाउ अल्टीमेटली प्रमुख स्वामी जी हैज पुट मी इन अ गॉड सिंक्रनस ऑर्बिट, नो मनुअर्स आर रिक्वायर्ड एनी मोर एज आई एम प्लेस्ड इन माई इटर्नल पोजिशन इन माई फाइनल पोजिशन इन इटर्निटी। ये देखो पढ़ लेना, ट्रांसेंडेंस का 50वां पेज है, उस पेज पे लिखा हुआ है। उसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा आध्यात्मिक आरोहण, आध्यात्मिक मार्ग पे मैं चल रहा था, मेरे पिताजी ने उसका प्रारंभ मुझे दिया, ज्ञान दिया। उसके बाद मेरे जो वैज्ञानिक गुरु थे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, प्रोफेसर सतीश धवन, बहुत बड़े थे ये, इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन, और लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने मुझे तो भगवान की जो समकालिक कक्षा है वहां रख दिया है, मुझे अमरत्व में मेरा आखिरी स्थान मुझे मिल गया है प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से, मैं वहां पे पहुंच गया हूं। गॉड सिंक्रनस मतलब कि वो जगह है जहां से मैं भगवान को हमेशा देख सकता हूं और भगवान की दृष्टि हमेशा मेरा पर रहे, उनका कारण है स्वामी जी। ये देखो तो भगवत बल अंत में इतना है मुझे कहना है, मैंने 5 प्रकार के बल की बात बताई, अगर भगवान का बल किसी को प्राप्त हो हमेशा निर्भय रहेगा। स्वामी का जीवन पिछले 43 ईयर्स हम लोग देख रहे हैं, प्रमुख स्वामी के जीवन में कभी भी निजी जीवन में, जाहिर जीवन में, किसी भी काम में कभी भी भय नहीं देखा, और उनको जो प्रार्थना करते उनका भी भय निकल जाता है, लेकिन तमन्ना से, लगन से, दिलचस्पी से अगर प्रार्थना करे स्ट्रेस टेंशन भी कम हो जाता है, जीवन में सही सफलता मिलती है, सही शांति मिलती है, तो उसी के लिए सत्संग है। तो आज के दिन मैं भगवान स्वामीनारायण और प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सभी को सफलता मिले, उसमें एक बाधा है तो सर्वथा डर निकल जाए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।